सिर्फ एक खिलाड़ी को छोड़कर 2003 वर्ल्ड कप की पूरी टीम इंडिया ले चुकी है संन्यास। नमस्कार दोस्तों, भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। वह आखिरी बार 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में भारत के लिए खेले थे। बुधवार को क्रिकेट को अलविदा कहने के साथ ही पार्थिव 2003 वर्ल्ड कप की भारतीय टीम में से संन्यास लेने वाले आखिरी दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उस टीम से अब एक ही खिलाड़ी बचा है जिसने अभी तक संन्यास नहीं लिया और वो है गेंदबाज हरभजन सिंह। 2003 वर्ल्ड कप में हरभजन सिंह भारत के सबसे किफायती गेंदबाज साबित हुए थे। उन्होंने 10 मैचों में 11 विकेट लिए थे। हालांकि वह लंबे समय से भारत के लिए नहीं खेले हैं और अब उनके खेलने की संभावना भी लगभग खत्म हो चुकी है। हरभजन आखिरी बार 2016 में UAE के खिलाफ T20 मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में जगह बना पाए थे। उन्होंने आखिरी बार वनडे और टेस्ट मैच भी 2015 में ही खेला था। इस भारतीय स्टार गेंदबाज ने 103 टेस्ट, 236 वनडे और 28 T20 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उनके नाम 417 टेस्ट विकेट, 269 वनडे विकेट और 25 T20 विकेट है। हरभजन सिंह ने इस बीच कमेंट्री भी की और IPL में भी खेलते रहे। उन्होंने मुंबई इंडियंस का भी प्रतिनिधित्व किया और 2018 से वह चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा है। हालांकि कोरोना वायरस के कारण IPL के 13वें सीजन से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। जहां तक 2003 वर्ल्ड कप टीम का सवाल है, उनके अलावा सभी खिलाड़ी संन्यास ले चुके हैं। उस टीम के कप्तान सौरव गांगुली अब BCCI अध्यक्ष बन चुके हैं, जबकि राहुल द्रविड़ इस समय नेशनल क्रिकेट अकेडमी के हेड है। वहीं हरभजन सिंह के भविष्य पर बात करें तो यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि वह IPL के अगले सीजन का हिस्सा होंगे या नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।